बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरकार किस तैयारी में जुटे हुए हैं? विभागों से मंगवाया जा रहा है क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अंदर ही खाने हो रही है बड़े पैमाने पर तैयारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इनकार के बाद से ये तैयारियों का जो सिलसिला है वो एक नया संकेत दे रहा है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है और अंदर खाने कौन सी सेटिंग हो रही है। नीतीश कुमार ने साल 2005 में जब पूरे दमखम के साथ बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी तो वह ज़्यादातर लोगों के परफेक्ट रहे। डेढ़ दशक से ज़्यादा अरसे तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार की छवि पहले से कमज़ोर हुई है और धीरे धीरे उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। नीतीश कुमार और उनके पार्टी जनता दल यूनाइटेड की लोकप्रियता में लगातार गिरावटें देखी जा रही है। ऐसे में यह चर्चा भी खूब हो रही है कि क्या 71 की उम्र पार कर चुके नीतीश अब बिहार में अपनी कुर्सी को अलविदा कहने का मन बना चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने इसे खारिज किया है। नीतीश कुमार से जब राज्यसभा जाने की चर्चा हुई तो उन्होंने खुद सामने आकर इसे बेफिजूल की बातें करार दिया था, लेकिन गाहे बिगाहे कभी राष्ट्रपति तो कभी उपराष्ट्रपति के लिए नीतीश के नामों की चर्चा सियासी हलके में होती रहती है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा भी खूब है कि नीतीश कुमार की जगह बिहार में सत्ता की कमान भारतीय जनता पार्टी से आने वाले किसी चेहरे को दी जा सकती है। नीतीश कुमार किसी बड़े भूमिका के लिए केंद्र का रुख कर सकते हैं। कभी नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल होने की चर्चा भी होती थी, लेकिन अब उनके प्रेसिडेंट मटेरियल होने की चर्चा हो रही है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी यह बात अच्छी लगती है जब भी नीतीश कुमार के राष्ट्रपति बनने की योग्यता को लेकर सवाल किया जाता है तो जेडीयू के नेता इसे खारिज करने की बजाय खुलकर कबूलते हैं कि नीतीश कुमार में वह तमाम योग्यता है जो देश के राष्ट्रपति होने के लिए जरूरी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अंदर खाने क्या चल रहा है। बिहार के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक ऐसी चर्चा है जिसे लेकर अंदर काफ़ी बेचैनी बढ़ी हुई है, जिसे लेकर अंदर बढ़ी हलचल को समझा जा सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जिन विभागों का जिम्मा रहा है या जिन विभागों की जिम्मेवारी वो उठाते हैं उन विभागों से आजकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। सरकारी भाषा में समझे तो नीतीश कुमार के कामकाज की सत्यता का प्रमाण पत्र तैयार किया जा रहा है। जानकार मानते हैं कि ऐसा करना तभी जरूरी होता है जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे पद के लिए किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी करनी हो। अगर प्रशासनिक गलियारे में चल रही है चर्चा सही है तो क्या वाकई नीतीश कुमार किसी बड़े कदम की तरफ बढ़ने वाले हैं? क्या वाकई एनडीए के अंदर खाने की तैयारी चल रही है? प्रशासनिक गलियारों से आ रही इन खबरों के बावजूद नीतीश कुमार की राजनीति को समझने वाले लोग यह जानते हैं कि वह बिहार के मुख्यमंत्री रहते अपनी भूमिका को कितना एंजॉय करते हैं। नीतीश कुमार की पहली पसंद बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी रही है। जिस तरह माजी प्रकरण हो या फिर महागठबंधन से अलग होने का वाक्या, नीतीश कुमार ने कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोई समझौता नहीं किया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना इतना आसान होगा? अगर नीतीश कुमार यह फैसला नहीं लेना चाहते तो फिर वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी या उस तरफ आगे बढ़ेंगे या नहीं, इसे लेकर भी दूसरे नज़रिया से चर्चा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चर्चा है कि नीतीश कुमार की जगह उनकी पार्टी से किसी चेहरे को सीएम की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। दरअसल सरकार की तरफ से कई ऐसे फैसले लिए गए जिनको लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच तालमेल नहीं दिखी। यही वजह है कि बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व यह खुलकर भले ही कबूलता है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व ही बिहार में एनडीए का नेतृत्व है, लेकिन संजय जायसवाल यह जरूर कह देते हैं कि भविष्य में क्या होगा यह कौन जानता है। बिहार में नीतीश के शासन की यूएसपी भी पहले से कमज़ोर हुई है। शराबबंदी कानून को लेकर सरकार की आलोचना
खूब हुई। भ्रष्टाचार पर कंट्रोल भी नीतीश के लिए अब मुश्किल होता जा रहा है और कानून व्यवस्था बिहार में लगातार नीचे गिरती जा रही है। जुलाई महीने में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो क्या वाकई कोई तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है? इस सवाल का जवाब इन दिनों बिहार में हर कोई चाहता है। जाहिर है राजनीति में कई सवालों का जवाब समय से पहले नहीं मिलता। ऐसे में नीतीश को लेकर बिहार की सियासत किस करवट बैठती है, इसके लिए इंतजार करना ही बेहतर होगा। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए, तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।